मेरा घर दाबिल, मैं इंग्लिश डॉट में से 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ। 86 नंबर मेरा टोटल है, 32 पढ़ाते हैं मुझे। जैसा मैं जम्मू का फील करता हूँ, जम्मू का ऑल ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंग्लिश। अच्छा, हिंदी नहीं भी चाहिए ठीक। अच्छा, लेकिन इधर होगा यहीं 50 कैंपस में, आप कहाँ चल जाइए। लगभग विद्यार्थी का मानना है कि सर जितना अच्छा हम लोग लिटरेचर सब्जेक्ट जम्मू में पढ़ते हैं और आपसे पढ़ते हैं, आपसे सीखे हैं। इंग्लिश.com है, इंग्लिश को दूसरा विकल्प है ही नहीं है जम्मू में, अपना परफेक्ट है इंग्लिश.com जो मैं आपको लगे हुए हैं। वो सिलेबस देते हैं जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक वो इंग्लिश आपके करियर को बनाने के लिए रामबाण साबित होगा। और किसी के बाद नाम निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। धनराज सर बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ साथ में हिंदी भी बहुत बेहतर से पढ़ाते हैं, तो क्योंकि हमने इनको पिछले 7 साल से देख रहे हैं, इनसे पहली मुलाकात मेरी। अभी हम जम्मू में हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि इंटर का रिजल्ट दिया गया है, उसमें टॉपर स्टूडेंट को सम्मानित कर रहे हैं। अभी मैं प्रयास एजुकेशन के कैंपस में इंग्लिशिया.com में है। आइए इनसे जानेंगे कौन सा स्टूडेंट टॉपर्स रहे हैं और क्या सम्मानित करने वाले हैं। आने वाले छात्र का मैं नाम लेता हूँ, सत्यम भारती दाविल से है, जो कि इंग्लिश में 92 मार्क्स लाए हैं और हिंदी में 78। सोनाली कुमारी सतगामा से इंग्लिश में 72 लाए हैं और हिंदी में 92। कन्या सिंह सतगामा से इंग्लिश में 70 और हिंदी में 91। ब्रजेश कुमार धमना इंग्लिश में 65, हिंदी में 91। मुस्कान कुमारी कृष्णपट्टी इंग्लिश में 88, हिंदी में 88, दोनों मार्क्स बराबर ही है। सुहानी कुमारी अम्बा इंग्लिश में 81, हिंदी में 88। सोनू कुमार गोपालपुर इंग्लिश में 85 और हिंदी में भी 85। सन्नी कुमार सिंघिया इंग्लिश में 77, हिंदी में 86। सौरभ कुमार देवपुर इंग्लिश हमारे साथ वही शख्स हैं जो कि इंग्लिशिया.com में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। आइए उनसे जानेंगे किस तरह पढ़ाई करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम भारती हूँ। कहाँ से आए? दाबिल। अपना परिचय दे थोड़ा। मेरा नाम सत्यम भारती, मेरा घर दाबिल। अच्छा। मैं इंग्लिशिया.com में से 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ। 2 साल से स्टडी, कितना मार्क्स आए हैं? 380 नंबर मेरा टोटल है। इंग्लिश में कितना मार्क्स आए? 92। कितना घंटा स्टडी करते थे? 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। धनराज सर किस तरह पढ़ाते थे? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं मुझे। जैसा मैं जम्मू का फील करता हूँ, जम्मू का ऑल ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंग्लिश। अच्छा, हिंदी। क्या लगता है कि आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो टॉपर कर सकते हैं धनराज सर से पढ़ के? हाँ जरूर, सर पर जब ट्रस्ट करेगा जरूर, जैसे हम किए हैं। अच्छा, सभी को ट्रस्ट करना चाहिए। आगे की क्या सोच है आपका? आगे सोचा है मैं, जैसे मेरा चूज है डिफेंस लाइन में जाना है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या आप कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? बस सर पर ट्रस्ट करे, कहीं भटके ना दूसरे बाकावे में। नहीं। अच्छा, आप कहाँ इस क्लास में आप बैठते थे, कहाँ पे बताइएगा थोड़ा? मेरा पीछे सीट रहता था। पीछे से भी आगे की मतलब कि इतना मार्क्स ला सकते हैं, है ना? हाँ। टोटल आया 392। अच्छा, इंग्लिश में कितना आया? 78 और हिंदी में 90। आपका कितना आया? इंग्लिश में 70 और हिंदी में 91। अच्छा, धनराज सर किस तरह पढ़ाते थे? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, आप कौन सा स्कूल से आई हो? +2 हाई स्कूल। अच्छा, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब अच्छे से मेहनत करना चाहिए। एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन बहुत होता है, सारे कन्फ्यूजन को, सारे डाउट को मतलब पूरा सॉल्व करके। इंग्लिश कितना घंटा पढ़ती थी टोटल, मतलब कितने घंटे पे ये डिपेंड नहीं करता, कितने घंटे में हमको ये समझ में आता है वो डिपेंड करता है। आगे की क्या सपना है? हम आगे मतलब नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा ताली बजाइए इन बच्ची के लिए। आप अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा ऐसे किसान है। किसान है? हाँ। अच्छा, किसान के बेटी इतना मार्क्स लाई है, वाह क्या बात है। आपके पापा क्या करते हैं? एडवोकेट है। सर को क्या कहिएगा? सर हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाया, बहुत मेहनत की है हम लोग पे, मतलब टाइम दिए। अच्छा। कि बहुत अच्छा से हम लोग मेहनत कर पाए और हर मतलब हर कन्फ्यूजन में हम लोग का हेल्प किए। ऑल दी बेस्ट बाबू, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर।
कहाँ से आई हो? अम्बा। क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी। कितना मार्क्स आया आपका? इंग्लिश में 81 है और हिंदी में 88 है। टोटल कितना आया? 406। अच्छा सर किस तरह पढ़ाते थे? बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। जो समझ नहीं आता था वो कैसे पूछती थी? वैसे तो पहले खुद से सॉल्व करना अच्छा लगता था मुझे, लेकिन जिसमें डाउट हो वो सर से पूछ लेते थे, तो सर हमेशा बता देते। टाइम पर सिलेबस खत्म कर दिए थे क्या? यस सर। तो जो बच्चे जमुई के हैं उनको आप क्या कहिएगा? यही कि कोई टीचर वेस्ट नहीं होता है, पढ़ने वाला वेस्ट होना चाहिए। अगर जितना आप मेहनत करते हो उतना टीचर करते हैं आपके प्रति। एक ही कोचिंग का पढ़ा हुआ बच्चा कोई टॉपर बन जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो ये टीचर पे डिपेंड नहीं करता, वो बच्चा पे डिपेंड करता है। तो अच्छा आगे की सपना क्या आप? ऐसे तो डॉक्टर बनना चाहते। डॉक्टर बनेगी? वाह क्या बात है। अच्छा कौन सा स्कूल से? प्लस टू हाई स्कूल खैरा। अच्छा यहाँ पे कब एडमिशन कराए थे? ये जनवरी में। क्या सर अच्छे से शिक्षा दिए थे? यस सर। जो बच्चे पढ़ेंगे और जम्मू के और गांव देहात से जो आएंगे बच्चे उनको आप क्या कहिएगा? कि आप अपना पढ़ाई हमेशा जारी रखिए और प्रीवियस क्वेश्चन का हमेशा मतलब क्या लगता है कि यहाँ से धनराज से पढ़ के आगे की एग्जाम निकाल सकते हैं? पापा बिजनेसमैन है और मम्मी वाइफ है। आगे की क्या सपना? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं? वाह कितना मार्क्स आया? टोटल मार्क्स 83%। इंग्लिश में कितना आया? इंग्लिश में आया याद नहीं सर 77। अच्छा टोटल कितना आया था? टोटल 419 है। 419। अच्छा इस कैंपस में सारे टीचर अच्छे हैं क्या? हाँ सर। अब कब एडमिशन कराए थे? 11th में ही कराए थे। क्या लगता है कि जमुई में रह के बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। अच्छा धनराज सर क्या पढ़ाते थे अच्छे? हाँ सर पढ़ाते थे। जो डॉट रहता था वो कैसे पूछ लेते थे? डॉट रहते तो उसी समय पूछ लेते थे, बता देते, या फिर बाद में भी कभी पूछने का मौका मिलता था पूछ सकते थे। अच्छा बुक कौन कौन सा बुक पढ़ाते थे? जो एनसीआरटी का चलता है वही वाला बुक है सर। अच्छा जो बच्चे जम्मू के हैं जो बच्चे आना चाहेंगे ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे उनको क्या कहिएगा? उनको कहना चाहेंगे यही कि मतलब पढ़ाई तो अच्छा होता है लेकिन टीचर का भागीदारी सर 20-30% होता है, खुद ही मेहनत करके अपना उतना मतलब 100% करना होता है। अच्छा आगे की क्या सपना है आपका? आगे का सपना SSC से। SSC 426 नंबर। इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में इंटर में 83 नंबर है और हिंदी में 81। अच्छा 83 और 81। हाँ। अच्छा सर किस तरह पढ़ाते थे? बहुत मस्त पढ़ाते थे। अच्छा कैसे हैंडल करते थे, मतलब पहले जैसे कि इंटर में एग्जाम नज़दीक था तो कैसे हैंडल किए? सर क्रेज को जो स्टार्ट कर दिए उसका मतलब अच्छा उपयोग हुआ। अच्छा सेल्फ फर्स्ट एडी कितना करते थे आप? सेल्फ वाली 6 से 7 घंटा हो जाता। 6 से 7 घंटा। यस। अच्छा मैथ में कितना आया? मैथ में 93 नंबर। मैथ कहाँ पढ़ते थे? मैथ PCM सर पास। PCM सर के पास। वाह ताली बजे। थोड़ा आगे की क्या सपना है? IAS बनना सर। IAS बनिएगा? यस। अच्छा ये बताइए कि ईमानदार बनिएगा या भ्रष्टाचार बनिएगा? इसमें तो कोई शक नहीं, मैं ईमानदारी बनूंगा। ईमानदारी पूर्वक करिएगा ना? एकदम। क्या आप लोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे अपने क्षेत्र में काम? क्या हमारा समाज बदलेगा ना? ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए और क्या। अच्छा ये कैंपस खोलने का उद्देश्य क्या था? ये कैंपस खोलने का उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी ये जगह स्थिर होकर अच्छा अध्ययन करें और गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके, जहाँ तक होगी वहाँ तक उसकी हम लोग व्यवस्था। क्या टॉपर जाते हैं यहाँ से? जरूर टॉपर गए तब तो यहाँ तक आए हैं। अच्छा अच्छा इंग्लिश का टीचर मतलब सारे जो हैं, तो बच्चे क्या लगता है कि यहाँ से पढ़ के आगे की एग्जाम निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। धनराज सर बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ साथ में हिंदी भी बहुत बेहतर से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने इनको पिछले 7 साल से देख रहे हैं। इनसे पहली मुलाकात मेरी 2016 में हुई थी, उस समय से इनको देख रहे हैं अच्छी तरह से। शायद हम जितना हम जानते हैं शायद कोई नहीं जानते इनके बारे में। अच्छा आखिरी में क्या कहेंगे जो बच्चे आएंगे सर, उनके लिए क्या ऑफर है, क्या उद्देश्य है उनके लिए? देखिएगा ऑफर कुछ नहीं है। अच्छा बेहतर शिक्षा मिलेगा। गरीब बच्चों के लिए कुछ भी ऑफर नहीं है क्या सर? गरीब बच्चा के लिए है ऑफर। अच्छा यदि आप ज़्यादा गरीब हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। बच्चे के लिए जो इतना मेहनत करके कहीं ना कहीं मार्क्स लाए तो क्या कहेंगे? बस आगे का अपना लक्ष्य बनाए, कोई एम गोल बनाकर आगे बढ़े, अपने घर परिवार को अब सपोर्ट करे, बस का ही जिम्मेवारी अब है। कैंपस में सर क्या लगता है कि इस कैंपस से अच्छे बच्चे अपने देश के लिए उज्जवल हो सके? देखिए इस कैंपस से जम्मू का टॉपर गया है। अच्छा। कल ही देखिए 448 नंबर। अच्छा। जो जम्मू में सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है। अच्छा। मोहम्मद सकलेन। और जहाँ तक हिंदी भी इन्हीं से पढ़ के गए हैं, सोनम कुमार ये 92 नंबर इन्हीं से हिंदी पढ़ी गई है। काफ़ी मेहनती है सर,
लेकिन परफेक्ट टीचर वही है जो स्टूडेंट के साथ साथ खुद भी मेहनत करते हैं, खुद भी स्टडी करते हैं, तो इनके अंदर वो क्षमता है कि खुद भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा सर, एक अच्छा सर, जो बच्चे काफ़ी रैंक्स लाएँ उनके तो तारीफ हो रहे हैं, जो बच्चे डिमोटिवेट होके जो कम रैंक्स लाएँ वो क्या करेंगे? ये डिमोटिवेट होना नहीं, समय लाइफ इतना छोटा नहीं है। अच्छा, अगला बार चांस देंगे, मान लो जो जिनका 300 नंबर आया, जिनका सिर्फ 300 आया, जिनका 400, वो भी सब एक ही फॉर्म भरिएगा। अगर आप में नॉलेज क्षमता है तो आगे दिखाना है। ये डिग्री बस एक कागज का टुकड़ा है, नॉलेज है तो आगे बढ़ेंगे। ये सामने खड़े हैं, मात्र इंटर में 365 नंबर था और हमारा स्टूडेंट ला रहे इसलिए 460 ला रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं नॉलेज का वैल्यू है, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है सर। ले नॉलेज है तो अपना आगे वर्चस्व दिखाए, नीट है, JMS है, पैरामेडिकल है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनको हर तरह से मोटिवेट कर दिया गया है। चाहे धंडा सर हो, चाहे PCM सर हो, चाहे BK सर हो, सब ने इनको मोटिवेट किए हैं और चाहते हैं सब मिलकर एक अच्छा स्टडी हब बने, और बनेगा भी सर। इसलिए खुद हम दिन रात लगे हुए हैं, खुद अपने भी 5-6 घंटा खुद सेल्फ स्टडी करते हैं ताकि लोग और आगे जाए, और जाएगा भी सर। सर इंग्लिश सर कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के लिए इंग्लिश ज़रूरी हो गया, और वैकेंसी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश जो विषय पढ़े हुए रहते हैं उन्हीं के द्वारे आते हैं, तो उन पर तो इंग्लिश के लिए देखिए englishia.com है, इनसे कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है। जम्मू में बड़ा ही परफेक्ट englishia.com जो कि आपको लगे हुए हैं। थैंक यू सर। सोनम कुमारी सर का नाम जो हिंदी में 92 है, आप आए। सोनम कुमारी सर का बुधा सर विश्व सर आप भी यही आप भी सर हाल का आप लोग चीफ गेस्ट सर नहीं सर गेस्ट भी हैं चीफ गेस्ट भी हैं ठीक है, बाकी तो आप काफी हैं। खुशी हो रहा है? अच्छा, सम्मानित करके खुशी हो रहा है? अच्छा, क्या कहिएगा सर को? थैंक यू बोलेंगे कि हम लोग की तरफ बहुत मेहनत की, हम लोग की तरफ बहुत ध्यान दिए, टाइम दिए। अच्छा, वो भी क्लास से जैसे सब कलर का टीम बताओ पीछे का जो पीछे बदवाचा कितना रखे लोग बदवा चाहिए खुशी हो रहा है पूरा? अच्छा, क्या सम्मानित किए हैं सर आपको? सर यही प्राइज और मेडल देके सर्टिफिकेट भी मिला है। अच्छा, दिखाएंगे। अच्छा सर को क्या धन्यवाद करना चाहती हो? सर का मतलब सर के वजह से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है। हम मतलब 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, हम जम्मू में नहीं थे, बस हम 2 महीने के लिए क्रेस कोर्स ज्वाइन किए थे। अच्छा, बस सर के गाइडेंस के वजह से ही मेरा जितना भी मार्क्स आया है। तो जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको क्या कहिएगा आप? 11th उन लोग को भी अच्छे से मेहनत करना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी पढ़ाई में, अगर अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, बच्चे कभी मैथ पढ़ते हैं तो इंग्लिश भूल जाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो फिजिक्स भूल जाते हैं, ऐसे कैसे कभी? मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार उनको पढ़ना चाहिए, जिस सब जो सब्जेक्ट उनका ठीक है। अच्छा, उनमें थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, जो थोड़ा वीक है उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उस हिसाब से सबको बैलेंस करके चलना आगे अच्छे से पढ़ाई करेगी ना? अच्छा, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा उतना चाहिए था उतना आया नहीं, उतना आया नहीं, अभी कितना आएगा? ना मेरा मतलब जितना मेहनत किए थे उस हिसाब से उतना नंबर नहीं आया तो। अच्छा, कितना नंबर आया इंग्लिश में? 81 कम नंबर है। अच्छा, सर को किस तरह धन्यवाद करना चाहिए? सर को यही कि अच्छा नॉलेज दिए हैं तो उनको तो। अच्छा सर, किस तरह पढ़ाते हैं?
सर पढ़ाते थे मतलब डाउट नहीं होता था, जो भी होता था क्लास में क्लियर होता था, अगर डाउट होता भी था तो अलग से क्लास खत्म होने के बाद पूछ लेते थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ग्रामर के बाद समझ नहीं आते, तो उनको क्या कहिएगा? देखिए जिनका बेसिक से कमजोर है उसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, और जिसका बेसिक से थोड़ा सा सही है मतलब टेंथ में, अगर टेंथ में ये होता मार्क्स नहीं जुटते हैं तो टेंथ में हिंदी में आपका क्या नाम हुआ? छोटी कुमारी। आपका? अनुष्का राज। आपका कितना मार्क्स आया? 360। आगे क्या पढ़ाई? मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई है? हम किसी पट्टी से। आपका कितना मार्क्स आया? 320। 320। आगे की क्या तैयारी है? बिहार पुलिस बनिएगा। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप बिहार पुलिस बनने के लिए कहाँ जाइएगा? ये जम्मू से हो सकता है? जम्मू से। जम्मू से? हाँ, जम्मू से ही करते। अच्छा सारा सब्जेक्ट यहीं पढ़ती थी क्या? हाँ। अच्छा और सारे जो कैंपस के टीचर हैं वो किस तरह पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप कहाँ से आए? क्रिस्पट्टी। जो बच्चे अभी आएंगे उनको क्या कहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे प्रयास एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ से भी लड़के टॉप कर सकते हैं पढ़ाई अच्छा से करेंगे तो। पढ़ाई अगर अच्छा से करेंगे तो। आपका भी एडमिशन लिए थे? हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर बहुत ही बेस्ट। आप दोनों को मेरी तरफ से उज्जवल हो। थैंक यू सर। और यहाँ के जो अभी इंटर का रिजल्ट दिया गया जो कि टॉपर छात्र छात्राएं जो कि सर सम्मानित किया है, धनराज सर है सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। तो क्या कहेंगे इन सब बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं टॉपर किए हैं तो बच्चों के लिए क्या कहिएगा? बच्चे पढ़े हैं सर तो टॉपर तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चे पढ़े हैं, बच्चे मेहनत किए, बच्चे दो साल हमारे ऊपर विश्वास किए हैं। अच्छा। तो टॉपर तो होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं कि टॉपर नहीं होगा। क्या लगता है सर आगे जो बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए वो भी आगे के लिए अच्छे टॉपर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? उसके साथ हम दो साल इतनी कड़ी मेहनत करेंगे। अच्छा। टॉपर कैसे नहीं आएगा? आएगा निश्चित तौर पर आएगा, बस लड़का पढ़ने वाला होना चाहिए। क्या लगता है सर यहाँ से पढ़ के बच्चे गाँव देहात के अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? पिछले 10 वर्षों में यहीं से ही सबका हाईएस्ट मार्क्स रहा हमेशा इंग्लिश और हिंदी में। अच्छा ऐसा क्या होता है सर, क्या अगले बार भी हम देखे तो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाए थे आपके विद्यार्थी, तो ऐसा क्या आप कंटेंट देते हैं जो कि बच्चे? पिछले बार तो बिना आपका न्यूज का हम हाईलाइटेड थे। अच्छा। इसके पीछे कारण है कॉपी और पेस्ट। अच्छा। खुद का वर्जन है नहीं, कॉपी पेस्ट करते रहता है लोग, और इस बार जो है ना कॉपी कर पाया ना पेस्ट, अपना पेस्ट बदल के सब शांत बैठा हुआ है। तो नए जो बच्चे आएंगे अभी टेंथ वाले जो रिजल्ट में आएंगे उनके लिए आपके कैंपस में क्या ऑफर है? हमारे कैंपस में ऑल सब्जेक्ट पर है, ऑफर ही ऑफर है। अच्छा। जिनके माता पिता ने उनके लिए हम समर्पित हैं। तो कहीं नहीं लगता है कि सर वैकेंसियां कम आ रही है और SSC के लिए ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, उसके लिए इंग्लिश जरूरी है विद्यार्थियों? अब जितने वैकेंसी आता है विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अब आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है, और जिस तरीके से सरकार का जो सिलेबस चेंज हुआ इस बार, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस चेंज किया है। अच्छा। वो उसमें तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। माना कि अब तक 10 साल आप इंग्लिश पढ़े नहीं पढ़े किसी तरीके से पास हो गए, अचानक आपको जो है 11 और 12 में परेशानी होना शुरू हो गया, लेकिन अब आपको इंग्लिश पढ़ना होगा सर। और रह गई बात वैकेंसी की, तो गवर्नमेंट जो है वैकेंसी बहुत कम निकालने लगा वो जिसमें कि इंग्लिश कम हो। जितना भी सेंट्रल जॉब है लगभग में इंग्लिश कंपलसरी है। अब बच्चों को जो है अग्निवीर बनना है तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, पहले से इंग्लिश पढ़ना होगा पहले से। सर क्या लगता है कि गांव देहात वाले बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारे रहते हैं कि पटना जाते हैं, हो गया कोटा देवघर जाते हैं, तो क्या लगता जाने है जाने के आप कहीं भी जाइए ठीक। अच्छा। लेकिन रिजल्ट होगा यहीं प्रयास कैंपस में ही, आप जहाँ चल जाइए। लगभग विद्यार्थी का मानना है कि सर जितना अच्छा हम लोग लिटरेचर सब्जेक्ट जम्मू में पढ़ते हैं और आपसे पढ़ते हैं आपसे सीखे हैं, शायद इतना हमको देवघर और पटना में भी नहीं मिलता है। तो सर क्या कहेंगे जो आखिरी में हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं चैनल से, उनको क्या कहिएगा? उनको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बात, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग 700 स्टूडेंट परीक्षा दिया है। अच्छा। और 100% रिजल्ट रहा है, फाउंडेशन बेच रहा, क्रश कोर्स रहा। अच्छा। सभी में बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए, हिंदी इंग्लिश पढ़ा, विश्वास के साथ पढ़ा। हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि किसी के ओल झोल में ना पढ़े। अच्छा। अगर आपको 12 पास करना है तो बेसिक के चक्कर में वो नर्सरी क्लास के टीचर से ना पढ़े, और समय यहाँ जो है लिटरेचर में ये कहकर उसके साथ
बर्दारी करता है कि तुमको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, 7-8 महीना पहले बेसिक के चक्कर में आय के साथ हैज की है ये बताने के चक्कर में लगा देता है। अब बच्चा तीन महीना में बच्चे बस हवा के झोंकों से, बस जैसे नहीं दुपट्टा उड़ता हवा के झोंकों में, वैसे जो है सिलेबस उड़ता रातों रात। सुबह आता है देखता है लेसन 3 था, एक दिन बाद एब्सेंट करता है, मालूम चलता है 10 हो गया है। लिटरेचर ऐसा नहीं होता सर, उसको पढ़ाना पड़ता है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर के अदर जो कोचिंग संस्थान में कहीं ना कहीं टाइम पास किया जाता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि अदर कोचिंग सेंटर में टाइम पास होता है, लेकिन मेरे पास इतना जरूर है कि रिजल्ट सबका आइटम बम होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कि काफी 400 से प्लस मार्क्स लाए? 400 प्लस हमारे कैंपस में जो हमारे टीम के साथ जो रहा जो पढ़ा है, लगभग 30 से अबव स्टूडेंट होगा जो 400 प्लस लाया है। अच्छा, क्या सम्मानित किए हैं इन सब बच्चों को? सम्मान में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम बस बच्चों को बुलाना चाहते हैं इसलिए बुलाते हैं, और ताकि देखिए पास तो सब किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसको हम सर्टिफिकेट नहीं दिए उसके पास नॉलेज कम है। अच्छा, या ऐसा भी नहीं है कि वो किसी से कम जानता है, लेकिन ये क्या है प्रतिभा को सम्मानित किए हैं। अच्छा, जो बच्चे हमसे जुड़ पाए, जो हमसे मिल पाए, और जो नहीं भी मिल पाए हैं उनका उपहार जो भी कुछ है, सर्टिफिकेट है, मेमेंटो है, जो भी है वो रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे लिए आए और आज आए हैं, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। क्या सर अभी तक सही बोले हैं क्या? Yes, sir! क्या लगता है कि यहाँ से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं स्टूडेंट जो आए? दोस्तों, हमारे साथ वही लड़कियां हैं जो कि जम्मू में नंबर 1 रैंक लाई है। आइए इनसे जानेंगे क्या किस तरह पढ़ाई करेंगे और आगे के लिए इन सब क्या देश के लिए करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। अच्छा, क्या कहना? वाह, ताली बजाइए आप लोग बच्ची लोग। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और बोलो, हमारी इस काबिलियत के पीछे जोर से एकदम शेरनी जैसा बोलो। हमारी इस काबिलियत के पीछे एकमात्र शिक्षक धनराज सर का हाथ है। अच्छा, जो हमें आज इस मंजिल तक पहुंचाए हैं, उनका बहुत ही सहायता रहा हमें इस मंजिल तक पहुंचाने में। अच्छा, आप क्या कहिएगा? सर के गाइडेंस की वजह से आज हमारा इतना अच्छा मार्क्स आया है। अच्छा, कुछ लाइन भी कहना चाहेंगे? कुछ लाइन, कोई आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर सॉरी हम नहीं कहना चाहेंगे कुछ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? कोई लाइन्स बोल सकते हैं क्या? बोलिए आप लोग कोई भी लाइन। क्या कहेंगे आखिरी दिन क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि जैसे धन्ना सर की वजह से हम लोग का मतलब इतना अच्छा मार्क्स आया है, उनके हेल्प के बिना ये सब नहीं हो सकता था। अच्छा, नहीं हो सकता था क्या? अभी टेंट का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए आपके कैंपस में क्या है, मतलब किस तरह आए, और लोकेशन भी शेयर कर देंगे और कैसे कैसे करेंगे वो भी शेयर कर देंगे। सबसे बड़ी बात, माध्यमिक परीक्षा में पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी मेहनत किया और आपका मेहनत जो है बहुत जल्द रंग लाने वाला है, आपका परिणाम भी आने वाला है। अभी इंटर का सभी फैकल्टी का रिजल्ट आया, परिणाम आप लोगों ने देखा, जम्मू में सबसे अच्छा रिजल्ट इंग्लिश.com का रहा है, इंग्लिश हिंदी का रहा है। आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और आशा करते हैं कि आपका भी रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इतना अच्छा हो जरूर कि आपके माता पिता का सपना जो है वो पूरा हो जाए। और हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि इंग्लिश का जो क्लास है वो अब शुरू होने वाला है और बैच शुरू भी हो गया है। आप प्रयास एजुकेशन कैंपस आएँ, यहाँ मेरा english.com कोचिंग है, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि बैच 11 का चालू है, आप किन्हीं के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो किन्हीं की खुशियों को देखकर जो है हमेशा चिंतित रहते हैं, जो बराबरी नहीं कर पाता वो बराबर करने में लगा होता है। हम आपको कहना चाहेंगे कि बेसिक हो या एडवांस, लिटरेचर हो या ग्रामर, सभी आपको मिलेगा अगर 2 साल आप मेरे साथ डेडिकेशन के साथ रहे और हमारे अनुसार आप अपना पठन पाठन जारी रखें, तो निश्चित तौर पर अगला टॉपर आप होइएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। हम आपको इंग्लिश का वो सिलेबस देते हैं जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक वो इंग्लिश आपके करियर को बनाने के लिए रामबाण साबित होगा, और किसी के बहकावे में इधर उधर घूमे नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इतना मार्क्स आया ऐसे पढ़ाते हैं, वो करता है, मैं वो कर दूंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसको दर दर यहाँ वहाँ भटकाते हैं। हम उन सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भरोसा रखो और निश्चित तौर पर आप हमारे पास आओ, क्लास ज्वाइन करो। सभी बैच चालू है, 11 का बैच चालू है, 12 का बैच चालू है, स्पेशल हिंदी का बैच शुरू होने वाला है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। यहाँ फाउंडेशन बैच, क्रश कोर्स, सभी में रिजल्ट जो है ज़बरदस्त होता है,
बस भरोसा रखो इंग्लिश में, बस जब तक हमें आपका रिजल्ट को बनाने के लिए दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे। सर जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उसके लिए क्या सुविधा है? ऑनलाइन क्लास की सुविधा तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप जहाँ भी हैं आप कहीं भी रहकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और मेरे द्वारा जो भी कुछ PDF होगा हमारे क्लास का वो आपको उसमें फ्री में मिल जाएगा। आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिशिया बाय धनराज सर के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर थोड़ा अपना लोकेशन शेयर कर देंगे? आप बाईपास रोड में परमिला रेस्ट हाउस के सामने आइए, और उसी में जो है उत्तर दिशा में आपको शीतला कॉलोनी है। शीतला कॉलोनी में जो KKM कॉलेज के पीछे पहला जो रोड है, उसके बाद दूसरा जो रोड है, उस रोड के पास आपको मिलेगा प्रयास एजुकेशन कैंपस। प्रयास एजुकेशन कैंपस नाम के मोहताज नहीं है, जम्मू जिला का ये पहला एजुकेशन हब है प्रयास एजुकेशन कैंपस। और इसी कैंपस में मेरा क्लास इंग्लिशिया बाय धनराज सर इंग्लिशिया.com के नाम से चलता है। फिलहाल जो बच्चे मतलब है जम्मू में उनके लिए कब कब बैच है सर? बैच हमारा सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक। अच्छा। और 2 बजे से लेकर 7 बजे तक बैच अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश स्पेशल ग्रामर सभी बैच चालू है सर। ओके सर, तो आखिरी में क्या कहेंगे जो आएंगे बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप भरोसा रखो, निश्चित तौर पे आप हमारे पास हमसे जुड़ो, और यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटके नहीं, किसी का कहने पर इधर उधर घूमे नहीं, भरोसा रखो, आपका भरोसा आपका विश्वास ही आपका रिजल्ट होगा, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।